हेलो जी, हाँ हेलो। डॉक्टर अभिषेक कुमार जी से बात हो रही है? डॉक्टर हाँ बोलिए। साहब नमस्ते, मैं कोडरमा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मुझे थोड़ा सा कोविड के सिम्टम्स है, जिसको लेके आपका वो टेली मेडिसिन के लिए नंबर जारी हुआ था, तो हम थोड़ा सा आपसे राय लेना चाह रहे थे। हेलो, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ जी हमको थोड़ा सा बुखार है, हाँ 101 तक जा रहा है। अभी मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है और थोड़ा सा हाँ बॉडी पेन हो रहा है, तो हम कौन सी दवाइयाँ खाना चाहिए हमको? पैरासीटामोल ले लीजिए, सेट्रिजिन ले लीजिए, ओके, सिट्राजिन और पैरासीटामोल। और एजिथर्ट 500 दिन में एक बार ले लीजिए, ओके और विटामिन सी, विटामिन डी और ओके मल्टीविटामिन। ओके। अगर अगर मैं मेरे नंबर से आपके व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज डालूंगा तो हमको भेजिएगा वो जस्ट दवाई वाला? नहीं एक्चुअली मेरा बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो इस तरह से तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये आप जो बता रहे हैं वो तो नहीं लिख के ले सकते हैं ना हम? हेलो, हाँ हेलो। एक मैसेज कर दीजिएगा तो डॉक्टर साहब हम खरीद लेंगे दवाई जाके। वो अच्छा हम करें मैसेज आपके नंबर पे? हाँ कीजिए। हाँ जी। हेलो, कीजिए कीजिए कीजिए। हम करते हैं डॉक्टर साहब, हम डीसी बोल रहे हैं कोडरमा। ओ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। सर, एक्चुअली अभी जस्ट ड्यूटी करके ही लौटे हैं। नहीं ठीक है, ड्यूटी करके लौटे हैं, लेकिन मैंने तीनों जो हम लोगों ने जिला की तरफ से टेली मेडिसिन के लिए नंबर जारी किए हैं, मैंने तीनों डॉक्टर से बात की है। हाँ और मतलब आपको भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ठीक है लास्ट में एग्री किया कि हाँ हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हाँ लेकिन देखिए इशू यही आएंगे ना, जो गांव देहात से कोई फोन करेगा तो उनके हाँ पास तो थोड़ी अब उतना वो कहाँ समझेगा हाँ अजिथ्रोमाइसिन सिट्राजिन वगैरह। तो आप मैंने ये कहा था कि आप एक मैसेज टाइप करके रखिए कि कौन सा सिम्टम्स है, तो उसमें कौन सी गोली और कितना टाइम खाना है, तो वो सदर हॉस्पिटल में आप दो चार डॉक्टर मिलकर तैयार कर लीजिए, ताकि अच्छा जैसे ही अच्छा कोई मैसेज करता है तो आपको वो उसको जस्ट हाँ हाँ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है कि उसमें दवा मतलब लक्षण का नाम रहेगा, उसमें कौन ठीक है सर, सी दवा खानी है और उसका डोज कैसे लेना है। ठीक है सर। और थोड़ा सा मेरी अपेक्षा है आप तीनों से कि हाँ अभी हाँ देखिए हम कंट्रोल रूम के भी नंबर्स दे रहे हैं जिला के, तो वो तो ऑलरेडी हाँ लोगों के पास है, जिला ब्लॉक के हाँ होम आइसोलेशन वाले नंबर दे रहे हैं हाँ हेल्पलाइन हाँ के ना, तो लोड हम डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी फोन्स आएंगे, हाँ लेकिन आप तीनों लोग थोड़ा सा एक एक 1.5 महीना आपको सहना होगा, क्योंकि लोग करेगा अच्छा फोन, लेकिन आप पैनिक हो जाइएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, कैसे चलेगा फिर लोगों को। इसलिए नहीं आप ठीक थोड़ा है सा 1.5 महीना अपना 100% से ऊपर जाके थोड़ा सा सहयोग कीजिए, स्थिति गंभीर है आप भी जान रहे हैं। हाँ अगर ठीक आप है सर। अच्छे से लोगों से बताइएगा तो बहुत हद तक लोगों को भी रिलीफ मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, है ना ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हम समझ रहे हैं कि आप ड्यूटी से लौटे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए जितना अच्छे तरीके से टैकल ठीक है कर सर। सकते हैं जो भी फोन आएंगे, है ना? और सर एक एक चीज ये है कि जैसे मेरा जो टाइम लिखा हुआ है उसमें जो मतलब पीपी किट तो पहने रहेंगे, तो फिर बाद में तो मुझे ही कॉल करना पड़ेगा ना, तो नहीं ठीक है, वही देखिए सर। उसमें आपके शिफ्ट वाइज दिए हैं, ऐसे भी आपका वहां पे ड्यूटी रहेगा उस टाइम पे कोविड डीसीएचसी में ही, तो कॉल अटेंड कर लीजिए और मान लीजिए उसके बाद भी एक आध दूसरा आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक कर लीजिए। अब 1-1.5 महीने का सवाल, 1-1.5 महीना भी नहीं रहेगा, हमको लगता है उसके पहले भी ये हो सकता है, कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ठीक है थैंक यू सर। डॉक्टर।